So next test is the next application of t-distribution is t-test as a test of significance of an observed regression coefficient. So with the help of this test, we can test whether the population regression coefficient is BYX. देखो अगर हम regression की बात कर रहे हैं, दो तरह के regression होते हैं, regression coefficient, one is Y on X और X on Y, ठीक है जी, ये दोनों ही हम इससे हम check कर सकते हैं. So with the help of this test, we can test whether the population regression coefficient is B by X or B X Y, okay, according to whatever line we are taking. So before coming to the procedure, so we have to assume something. We have given a random sample X1, Y1, X2 के बाईवेरिएट है. कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों में बाईवेरिएट ही चलेगा, बाईवेरिएट डाटा, ठीक है, फ्रॉम अ बाईवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन. ठीक है जी, लेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ Y on X obtained from the sample is Y minus Y bar is equal to B into X minus. यहां पे ये जो B है ना, ये sample regression coefficient. Y on X line है, तो यहां पे क्या आएगा, B by X. हम इसको B भी लिख देते हैं, sample regression coefficient, right? Where you can write where B is equal to B by X is the sample regression, जिसको हम observed की बात कहते हैं, regression coefficient, right? So that the estimated value, अब estimated value कैसे निकलेगी? It means you will put the value of अब dependent y on x का मतलब क्या है, y किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है. x की वैल्यू मिलेगी तो y की वैल्यू एस्टिमेट होगी. तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो किस कौन एस्टिमेट हो रहा है, y एस्टिमेट हो रहा है, ठीक है. सो दैट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y corresponding to a given xi is, अब जब हम x की सारी values put कर देंगे तो हमें सारी y's की estimated values मिल जाएंगे. So yi is equal to y bar plus b into, इसको हम ना cap लिख लेते हैं, estimated value जो है वो cap से denote कर लेंगे. This is xi minus x, ठीक है जी. Now अब ये सारा प्रोसीजर हो गया, हमने लाइन लिख ली, हमने एक एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y लिख ली. अब ये सारे के सारे हमारे टी टेस्ट में यूज होने. सो नाउ प्रोसीजर, नाउ वी सेट अप द नल हाइपोथेसिस h नॉट दैट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट द पॉपुलेशन, यहाँ वर्ड लगाओगे, पॉपुलेशन रिग्रेशन coefficient y on x, this is equal to capital beta, or you can write capital beta y x, right? H1 क्या आएगा, ये सारा लिख के, it is not equal to beta or it is greater than beta or it is less than, ये सारा H1 में आएगा, ठीक है जी. ये null hypothesis set हो गया. अब हमने लिखना है test statistics. Then test statistic under H naught. So T is equal to, इस केस में T क्या है? अब यहाँ पे बेटा, you are, we are
क्या कर रहे हैं हम टी टेस्ट एज ए टेस्ट ऑफ ऑब्जर्व्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट है, जिसको हम स्मॉल बी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे स्टेटिस्टिक है स्मॉल बी। तो अगर हम उस फॉर्मूले से चलें, स्मॉल बी आता है, फिर यहाँ एक्सपेक्टेड ऑफ बी आता है, देन यू विल राइट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी। सो दिस फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन माइनस टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो दिस इज टी, बी इज एक्सपेक्टेड ऑफ बी इज कैपिटल बी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी का जो फॉर्मूला है वो हमने लिखना है। दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज समेशन वाई आई माइनस कैपिटल वाई, इसको कैपिटल वाई आई कैप था जो हमने फाइंड आउट किया, इट्स स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू स्मॉल बी डिवाइडेड बाई कैपिटल बी। दिस इज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बेटा आप अपनी बुक से जरा फॉर्मूला बोले मुझे, क्या है भारती बोलिए जरा फॉर्मूला। T इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस बीटा, धीरे धीरे बेटा, स्मॉल बी माइनस बीटा अपॉन, अच्छा जैसे है वैसे बोल दीजिए। हाँ इधर कुछ होगा अंडर रूट में, यस मैम, अंडर रूट में एन माइनस टू इनटू समेशन ऑफ, इसके साथ ही है, ये भी अंडर रूट में ही है सारा। हाँ ये सारा समेशन ऑफ, ये है एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर, हाँ ओवर पूरे का ओवर, यस मैम, समेशन ऑफ वो भी अंडर रूट में ही है वैसे, कौन ये सारा, हाँ ये सारा अंडर रूट में ही है, समेशन दिस इज वाई आई माइनस वाई आई कैप इट्स होल स्क्वायर, दिस इज द ओके। अब एक्चुअली बेटा जी ये कैसे बना है, ये सारा हिस्सा स्टैंडर्ड एरर का है। सो इसका मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी क्या बना हमारे पास, दिस इज इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन वाई आई स्मॉल, हियर इज स्मॉल वाई आई माइनस वाई, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, इट्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन इनटू एन माइनस टू, इस पूरे का अंडर रूट, दिस इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी। तभी ये जो डिनोमिनेटर में था ये सारा जो ये वाला जो ये सारा जो था वो सबसे नीचे था और ये सबसे ऊपर चला जाएगा। दिस फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन माइनस टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नाउ आगे आपको पता ही है कंक्लूजन, इफ मॉड ऑफ टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर अ गिवन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे कितनी आएगी एन माइनस टू, देन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। इसका मतलब जो वैल्यू हमने ली है, जो हमने ज्यूम की है एच नॉट की वैल्यू, इट इम्प्लाइज बी कैपिटल बी जो है, जो वैल्यू हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट की ज्यूम की है पॉपुलेशन के, वो उसके बराबर, इट इज नॉट इक्वल टू बीटा, राइट। एंड इफ मॉड ऑफ टी इज लेस देन टी अल्फा फॉर एन माइनस टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, देयरफॉर द पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू बीटा, राइट। So now we will do some of the questions related to it. Examples of t-test as a test of observed regression coefficient. For a sample of size 30 where x takes the values one, two, three, soon up to 30. It is found that summation of xi minus x bar
And yi minus y bar, this comes out to be 599.62. And summation of yi minus y bar square is equal to 1020.6. Test the significance of regression coefficient y on x. Regression y on x. अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया गया रिग्रेशन कोफिशिएंट हमने क्या लेना है. अब सपोज करो अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ और मैं कहूँ चेक करो बीटा मेरे पास है, सपोज करो आई हैव बीटा इज इक्वल टू 0.6 राइट एंड स्मॉल बी इज इक्वल टू 0.5. देन चेक द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट. चेक द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट. तो यहाँ पे आप बीटा क्या अज्यूम करके चलेंगे, नल हाइपोथेसिस में 0.6 पे टेस्ट लगे. यहाँ पे हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं बताएगी इसके बारे में. इट मींस व्हाट वी विल टेक हियर, वी टेक एच नॉट बीटा इज इक्वल टू 0 कि हमें वैसे भी सिर्फ x की ऑब्जर्वेशन दी है, y के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं. ठीक है, सो नाउ वी हैव गिवन नाउ समेशन ऑफ x. अब पूरे फॉर्मूले में फॉर्मूला जब आपने लगाना है टी टेस्ट का, जब टी टेस्ट का फॉर्मूला लगाना है व्हाट यू नीड स्मॉल b माइनस कैपिटल बीटा, देन यू नीड समेशन ऑफ yi माइनस yi कैप स्क्वायर, देन यू नीड समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, देन यू नीड ये सारी वैल्यूज आपको चाहिए. इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यूज. सो वी विल अज्यूम दैट, सो बिफोर कमिंग टू द हाइपोथेसिस सबसे पहले हम ये कैलकुलेशन करेंगे. सो समेशन एक्स आई, अब एक्स की सारी वैल्यूज ही है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एक से लेके 30 तक. ठीक है, सो दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स. सो ये जब आप इसको बेटा व्हेन यू विल टेक द यहाँ से आप निकालेंगे इसको, इसके 1 से लेके 30 तक वैल्यू है, मिड वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, क्योंकि इवन नंबर्स में है तो मिडल टू वैल्यूज जो है जब उसका एवरेज निकालेंगे देन यू विल गेट द मीन, या मीन आप सीधा भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ व्हाट दिस इज एन इनटू एन स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ये स्क्वायर है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर बन जाता है अगर हम देखें तो. सो यू विल पुट द वैल्यू, दिस इज 30 एंड दिस इज 900 माइनस वन डिवाइडेड बाय 12 एंड दिस कम्स आउट टू बी 30 इनटू 899 डिवाइडेड बाय 12, सो दिस कम्स 2247.5 राइट. नाउ सेकेंड पॉइंट इज, अब बी भी नहीं दिया हुआ आपको, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ बी, इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट बी. बी बी बाय एक्स क्या होता है, दिस इज आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, या कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास. कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू yi minus y bar divided by this is so when you will put the value of r, r is covariance between xy upon sigma x into sigma y. So आप check कर लीजिए जब आप यहाँ पे value put करेंगे. So this is covariance between x and y divided by sigma x into sigma y. Here is sigma y upon sigma x, ये कट जाएगा, इट मीन यहाँ पे sigma x. ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार. सो यू हैव द वैल्यूज, अब आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे दी है, ये हमने कैलकुलेट कर ली है. सो दिस इज 599.62 डिवाइडेड बाय 2247.5, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.2668. ठीक है, सो नाउ so सारी वैल्यूज निकल गई. नाउ वी सेट अप द नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज बेटा यू मे ऐड इन द क्वेश्चन टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स
इफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू जीरो, आप ये ऐड कर लीजिए क्वेश्चन में, ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. सो एच नॉट इज दिस, सो एच वन इज, बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो. So test statistics, you will write here test statistics under H naught. You will put all the values. Here bhi maine aapke samne likha tha summation yi minus yi cap square divided by summation xi minus x bar whole square into n minus 2. So substitute all the values. B, small b comes out to be 0.2668 minus 0 divided by. Now we have given summation yi minus. Now, beta, we have given summation yi minus y bar diya, y cap nahi diya hua, okay? It means we have to calculate it. Divided by, ye value hum likh lete hain, kya value hai iski, summation xi ki, this comes out to be 0, b humne nikala 0.2668, summation xi kya hai value, 2. 2247.5 और n कितना है, n 30 है, तो 30 minus 2. It means ये value रह गई calculate करने वाली, this velocity distribution with 30 minus 2 degrees of freedom. Now we will इसको number 1 दे दीजिए. Now we will calculate in on, we will calculate summation I running from 1 to n yi minus yi cap. So we will do it tomorrow, how to calculate summation yi minus y. This will be calculated from the line of regression y minus y bar is equal to small b x minus x bar, that is y cap is equal to y bar plus b xi minus xi. Yahan se hum ye value ko calculate karenge. Right?